सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आइए आप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है बहादुरगढ़, इस पर यानी कि मेरे राइट वाला, ये बहादुरगढ़ इस पर है जो बहादुरगढ़ के लिए जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये तिराया है दोस्तों, और ये पहले ही रैंप बना लिया जा चुका था। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा फ्लाईओवर का पार्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ना देर करते हुए दिखाते हैं आप लोगों को आगे चल के। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर ये मिट्टी की लेबलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम था तो इस वजह से काम स्लो चल रहा था। यहाँ पर तस्वीर आप लोग देख सकते हो, अभी यहाँ पर भी ये मिट्टी डाली जाएगी, फिर कॉन्क्रीट की लेयर डाली जाएगी, उसके बाद में डीबीएम लेयर का वर्क किया जाएगा दोस्तों। और आगे प्लेटफॉर्म फ्लाईओवर दिखाते चल गए। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं चल के। देख सकते हो ये काफ़ी लंबा चौड़ा फ्लाईओवर है दोस्तों, जिस पर से आधे में तो ये आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जा चुका है। इस पर फ्लोर वर्क का काम भी किया जा रहा है दोस्तों, और साइडों में देख सकते हो इधर भी कर दिया जा चुका है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये फ्लाईओवर है दोस्तों। आगे आप लोगों को नाला देखने के लिए मिलेगा, तो नाले के ऊपर यहीं से ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो ये नीचे वालों के लिए उतरने के लिए, यानी कि ये राइट वाला, और ये बीच वाला है, जो बीच वाली लेन है 6 लेन यानी कि 3 लेन इस साइड दोस्तों। और ये देखो ये रैंप बनाया जा रहा है, यानी कि लोकल ट्रैफिक के लिए ये फ्लाईओवर है, जिस पर आपको बता दो फ्लोर वर्क कर दिया गया है, लेकिन इसके जो साइडों के पैराफिट वॉल हैं वो बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और एक साइड में तो देखो एक ये फ्लाईओवर का पार्ट कंप्लीट हो गया, उधर का बचा है लेफ्ट हैंड का, उस पर भी अभी गाटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से हम चल रहे हैं सीधे नजफगढ़ नागलोई रोड के लिए दोस्तों। आगे पड़ेगा वो आप लोगों को दिखाऊँगा, नाले के ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा है इस UR2 पर दोस्तों, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे दोस्तों। बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और देखो जो क्रेन मशीन थी इसके दोनों साइड के पार्ट निकाल दिए, इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसी के थ्रू दोस्तों। इसी क्रेन मशीन से एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जो आई गटर डाला जा रहा है, लॉन्च किया जाता है, वो इसी क्रेन मशीन से किया जाता है। बाकी तो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो गए पियर कैप के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो अब एक पिलर से दूसरे पिलर को बस आई गटर द्वारा लॉन्च किया जाना है, उसके बाद में फ्लोर वर्क किया जा रहा है, उसके बाद में साइड के जो पैराफिट वॉल है वो बनाए जाएंगे, इस पर फिनिशिंग का काम किया जाएगा, फिर ब्लैक टॉप किया जाएगा। तो यही काम है अभी आर्मर एक्सटेंशन पर दोस्तों। और जो इसकी डेडलाइन है दोस्तों ये है दिसंबर 2023 की, तो तब तक ये फाइनल हो जाएगा, बनकर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं कब तक ये फाइनल हो पाता है। वैसे डेडलाइन तो इसकी दिसंबर 2023 की है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग लगा दिए, जो कि पियर कैप बनाए जा रहे हैं, इधर भी पियर कैप बनाए जाएंगे, और नाले के ऊपर अभी दोस्तों क्योंकि अभी फाउंडेशन बनाया जाएगा, यानी कि पिलर के जो सरिया हैं उनको फाउंडेशन बना के फिर ऊपर स्ट्रक्चर यानी कि सरियाओं का जाल बना के ऊपर खड़ा किया जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, पिलर बन गए हैं, और पिलर बन जाने के बाद में देख सकते हो अभी कुछ पिलर बचे हुए हैं नीचे, कुछ पिलर आधे बना दिए आधे बचे हुए हैं, कुछ ऐसा काम चल रहा है। देख सकते हो ये नाले के ऊपर आ जाता है अब ये अर्बन एक्सटेंशन रोड दोस्तों। और चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, क्योंकि ये नाले के ऊपर भी ये पियर कैप बनाए गए हैं। देख सकते एक वो पियर है एक ये पियर है, इनको कनेक्ट करने का काम किया जाएगा अभी, जो कि टाइम लगेगा दोस्तों, और टाइम लगना तो लाजमी है। चलो मैं ऊपर से ही दिखा देता हूँ इसको, ठीक है, तब आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस अर्बन एक्सटेंशन पर पहली बार लेकर आया हूँ दोस्तों। इसी वजह से आप लोगों को देखो एक साइड के पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, उधर पियर पाइलिंग कर दिया है, जो कि पिलर अभी फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन बना के फिर इसको पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जैसे कि ये बनाया है इसी तरीके से उधर भी बनाए जाएंगे। आगे तो बन गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा क्रम ले लेगा, क्योंकि आगे ये नजफगढ़ नागलोई रोड आने वाली है, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड एरिया अब आ जाएगा, अभी तक तो ग्रीन फील्ड चल रहा था दोस्तों, तो इसी वजह से काम तेज़ी के साथ में हो गया था जल्दी जल्दी, लेकिन अब इनमें थोड़ी सी है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस नाले में देखो मच्छी भी हैं,
मछली भी हैं दोस्तों, ठीक है। देखो इस तरीके से ये बनाए गए हैं। उधर का भी देखो पियर पाइलिंग हो चुका है, मतलब कि फाउंडेशन बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर फाउंडेशन बनाया गया ऐसे उधर भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। आगे पिलर पे भी बनाया जाएगा और इन पर अभी इन पर रिंग लगा के और इनको कंक्रीट भर के इनको ऊपर किया जाना है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को, ठीक है। जिधर देखोगे नज़र उठा के उधर ही आप लोगों को पानी नज़र आएगा दोस्तों। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है अर्बन एक्सटेंशन रोड। देखो पियर पाइलिंग का काम हो गया नहीं हो गया उधर, ठीक है। ये पियर पाइलिंग का काम हो चुका है। देखो इन्होंने अभी ही पिलर भरा था जिसकी सेटिंग भी नहीं उतारी है, क्योंकि यहाँ पर ये बाढ़ आ गई थी ना, तो इस वजह से पानी भरा हुआ था। लेकिन अब इसको निकाल लेंगे इसकी सेटिंग को दोस्तों, क्योंकि ऊपर रिंग लगा के फिर इसको चौड़ा किया जाएगा। और देखो वो पियर पाइलिंग का काम हो गया है। पियर पाइलिंग का काम कर देने के बाद में अब इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। फाउंडेशन बना के तब एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही नज़ारे हैं, चलते हैं। अगर भी पियर पाइलिंग की गई है दोस्तों, देखो ये रहे। उधर ही हुई है अब ये उधर ही रहेगा क्योंकि पल्ली साइड में पहुंच गया है। देख सकते हो किस तरीके से ये पिलर बनाए जा रहे हैं। इधर भी पियर पाइलिंग का काम हो चुका है, फाउंडेशन बनाने का काम किया जाना है, जो कि आधे पिलर पर फाउंडेशन का काम हो गया है। ये नाले के ऊपर है दोस्तों, देखो इधर भी पियर पाइलिंग का काम हो चुका है, मिट्टी पड़ी हुई है। देखो किस तरीके से ये फाउंडेशन बना के और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने। देखो कंक्रीटिंग के साथ भी देखो इधर भी है, तभी यही काम चल रहा है इस साइड में। आगे देखते हैं चल के क्या चल रहा है। तो पिलर भर गए हैं, लेकिन अभी इसी नाले के बीच में सारे में पियर पाइलिंग हो चुका है, बस इन पर फाउंडेशन बनाना बाकी रह गया है दोस्तों, ठीक है। इधर देखो ये सारे में ही ना पियर पाइलिंग कर दिया जा चुका है। अब इस पर बस क्या करना है, फाउंडेशन बनाना है और ऊपर का पिलर खड़ा कर देना है दोस्तों। यही वर्क चल रहा है अभी। अब ये आ गया नजफगढ़ नागलोई रोड है ये, और एक बार कंफर्म कर लेते हैं इधर ही था। अब अर्बन एक्सटेंशन रोड को देख सकते हैं, यहाँ पर ये पियर पाइलिंग का काम किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं ये सारे फाउंडेशन अब उखाड़े जाएंगे यहीं से। अब चलते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड पर, देखो ये आ चुके हैं, पियर पाइलिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। इधर तो ये पियर सारे बन के कम्प्लीट हो गए हैं, देखो इधर वाले ये पियर बचे हुए हैं, क्योंकि ये नजफगढ़ नागलोई रोड को ये क्रॉस करेगा दोस्तों, अर्बन एक्सटेंशन रोड। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप सभी को, तो बने रहो। अभी किसारे में बरसात हुई है तो सारे में ही ऐसा ही हो रहा है उबड़ खाबड़। तब इन पर आई गटर द्वारा एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। रैंप पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया, देख सकते हो वो आगे। चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आपको। चलो देखो ये स्ट्रक्चर भरा जा रहा है, ये देखो। Thank you.
यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका, अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, देख सकते हैं ये रैंप को भी बना दिया जा चुका है, इसका ब्लैक टॉप होना बाकी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीरें। चलो